तो जय श्री रानी 11th क्लास, आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक को लेके हम आ गए हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो हमने अभी तक डायमेंशन और भी कुछ एप्लीकेशन पढ़ी, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन थी आपकी चेकिंग चेंजिंग द यूनिट, सेकंड एप्लीकेशन थी आपकी चेकिंग द करेक्टनेस, और थर्ड एप्लीकेशन थी आपकी ड्राइविंग द न्यू फॉर्मूला। जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम आपको समझा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। यदि वो किसी को समझ नहीं है और डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, तो वो उसे इजीली देख सकता है। तो चलिए समझते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, या ये भी कह सकते हैं चेकिंग द करेक्टनेस, कि हमारा कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए एक छोटे से फॉर्मूला बनाया गया और ये कहा गया कि आप हाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अभी क्या कहती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि जो हमारा आरएचएस है उसकी डायमेंशन एलएचएस के बराबर या कॉन्स्टेंट होंगी तो वो कंसिस्ट करता है फॉर्मूला, और यदि नहीं होगी तो कंसिस्ट नहीं करता। जब कुछ समझे ये कह रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच टर्म ऑन आइदर वन साइड ऑफ फिजिकल इक्वेशन रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ कोई फॉर्मूला है, तो ये सही है या नहीं ये कैसे मालूम चले? इसके लिए क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होनी चाहिए किसके, डायमेंशन ऑफ बी के। यदि इन दोनों की डायमेंशन इक्वल आ जाती है, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाता है, तो ये कंसिस्ट है, ये फॉर्मूला कंसिस्ट करता है, पर ये फॉर्मूला सही है, और नहीं आता है तो सही नहीं है। यदि यहां पर प्लस सी लिख रहा होता तो क्या होता, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। यदि प्लस वाली क्वांटिटी होती है तो उसकी डायमेंशन अलग से देखी जाएगी, वो भी इसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपका जाना माना फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, v इज इक्वल टू u प्लस 18, 9th क्लास से पढ़ा, 10th क्लास से पढ़ा, और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है उसमें इसका डेरिवेशन भी है, और उसी प्रकार से डेरिवेशन 9th क्लास से पढ़ा था। चलिए वो बात की बातें देखेंगे उसे। तो इसकी हमें क्या करना है, चेकिंग द कंसिस्टेंसी चेक करना है। क्या करना है, सीएचई चेकिंग द कंसिस्टेंसी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, डायमेंशन ऑफ वी निकाल सकता हूं। अच्छा मैं आपसे पूछूं वी की डायमेंशन क्या होगी, वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी क्या है, स्पीड, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, निकाला समझाया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो, मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है, लेंथ, लेंथ के लिए क्या आएगा एल, सेकेंड क्या है टी, टी के लिए क्या आएगा टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन क्या होगी एल टी माइनस वन, तो इसकी भी हमारी एल टी माइनस वन। बस समझ में आती है। इसी तरह से मैं क्या निकालू, डायमेंशन ऑफ यू, U की U भी क्या है स्पीड, इसकी भी डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन। अच्छा मैं आपसे पूछूं डायमेंशन ऑफ AT की डायमेंशन क्या आने वाली है, देखिए जब पूछिएगा A मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन निकालो तो मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, क्या आएगा एल टी माइनस टू, तो ए का तो आया हमारा क्या एल टी माइनस टू, टी के लिए क्या आने वाला है ओनली टी, केवल टी। अच्छा इन दोनों को देखो टी की पावर माइनस टू है और ये केवल टी है, तो क्या हो जाएगा ये एल टी माइनस वन, क्या आ रहा है यहां पर एल टी माइनस वन, यहां पर एल टी माइनस वन, और यहां पर भी एल टी माइनस वन, तो क्या हो गया डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस फॉर्मूला इज कंसिस्ट, ये फॉर्मूला कंसिस्ट करता है, ये फॉर्मूला हमारा सही है। नीचे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं आपको थोड़ा सा और अच्छे समझाने के लिए। हमने कुछ फॉर्मूले और लिए, हमें चेक करना है t इक्वल टू 5 l / g, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। देख कैसे करते हैं, हमने कहा लाइक t इक्वल टू 2 pi। अच्छा रूट को मैं क्या ले सकता हूं, पावर 1/2 मैं ये ले सकता हूं, एल अपॉन जी की पावर 1/2। बात देखिए है, तो ये तो हुआ मेरा क्या कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म लेने की जरूरत नहीं होती है, तो क्या होना चाहिए डायमेंशन ऑफ टी बराबर होना चाहिए किसके डायमेंशन उसके, तो डायमेंशन टी लेते हैं, डायमेंशन ऑफ टी क्या है टाइम, टाइम के लिए क्या आती है यूनिट सेकेंड, सेकेंड के लिए डायमेंशन क्या होती है केवल टी, इसकी डायमेंशन क्या आ गई टी। अच्छा आपने कहा ना डायमेंशन ऑफ टी, इसके ये भी लिख सकते थे हम लेट, लेट यहां पर इसे क्या लिखते हैं एल एच एस, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं लेट आर एच एस, आर एच एस में क्या है ये लेने की जरूरत नहीं, ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, तो मैंने क्या ले लिया आर एच एस में डायमेंशन, ये डायरेक्ट ले लीजिए आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा डायरेक्ट करो। एल क्या है लेंथ, लेंथ के लिए हमारा डायमेंशन क्या आता है केवल एल, केवल एल, ठीक है। नीचे क्या है जी, मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ग्रेविटी की ऐसा यूनिट मैंने आपको बताइए एक्सप्रेशन द्वारा होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने पढ़ा हुआ नाइन्थ क्लास में, यदि इससे इसकी डायमेंशन निकालें तो क्या निकल जाएगी मीटर के लिए लेंथ एल टी माइनस टू, थोड़ा सा ध्यान देना एल टी माइनस टू की पावर 1/2, एल से एल कट जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा किसी की पावर नीचे माइनस होती है तो ऊपर जाए क्या हो जाती है प्लस, यदि ये लिखा हुआ है 1/(x-1) तो क्या हो जाएगा बेटा ये x 1 नहीं हो जाएगा या केवल x, ऐसे ये 1/(t-2) है तो क्या हो जाएगा t2 की पावर 1/2, पावर का पावर होता है मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया हमारा केवल क्या बचा t, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं क्या LHS बराबर RHS, LHS बराबर किसके आ गया RHS के, तो क्या हो गया ये कंसिस्ट करता है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है आपका राइट द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी, हमको ए क्रॉस बी की डायमेंशन निकालनी है, देते हैं वो कह रहा है राइट द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी, हमें यहां पर ए क्रॉस बी की डायमेंशन फाइंड करनी है इन द रिलेशन, इस रिलेशन में ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है इसमें ई हमारा एनर्जी है एक्सिस्टेंस है और टी क्या है टाइम, ये टी लिखना है प्यारा सा, ये टी क्या है टाइम, ए और बी कौन नहीं जानते, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, किस तरह से निकालें वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, आप ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा मैंने क्या लिख दिया, क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये मैंने क्या लिख दिया समझ में आ रहा है कुछ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं अलग अलग लिख सकता हूं ना, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ ई, ई की डायमेंशन किसके बराबर होगी, ई की डायमेंशन के बराबर होगी डायमेंशन ऑफ बी अपॉन ए टी, इसकी डायमेंशन मैंने आपसे कहा था झा ऑपरेटर आता है क्या करना है आपको अलग अलग करना है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसकी एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। अब यहां से हम क्या करें, इन दोनों को इक्वल कर लें, इन दोनों को इक्वल कर लें या दो दो की पेयर बना लें, हमारे ए और बी की निकल के आएगी, देखिए कैसे निकाल रहा हूं, सबसे पहले इन दोनों को बराबर ले लो, तो डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू इसके, ध्यान देना यार बहुत ध्यान देना,
मैंने यह लिया डायमेंशन ऑफ ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन एटी। क्लियर है थ्री बात, लिख सकता हूं इसे, है ना। एक मैं इन दोनों को इक्वल ले लू, नहीं ले सकता, मैं यहां पे क्या ले लू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन एटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एटी। ऐसी बात नहीं है, आप इसके पहले इसको इसके बराबर ले सकते, ले सकते हो इसको भी इसके, क्योंकि तीनों ही तो बराबर है मेरे। तो डायमेंशन यहां कैसे निकाले, देखो एक चीज देखिए, यहां ए है यहां बी है, कट जाएगा, यहां टी है यहां भी टी है, तो क्या बच गया मेरा डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, डिस्टेंस है। नहीं आ रही बात समझ में, आहा आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस मतलब एल स्क्वायर मतलब टू, ये क्या आ गया बी, हमने बी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो यहां से हमें बी की वैल्यू पता है, ए निकालना है, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं ए इक्वल टू बी की जगह क्या आ जाएगा, बी यहां पर है तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। ई कहां आएगा, नीचे। मैं आपसे पूछूं ई एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है। देखो जब भी कंफ्यूजन होना, एनर्जी की डायमेंशन सोचिए, एनर्जी की डायमेंशन किसके बराबर होती है, वक्तन। जितना वक्तन होता है उतनी एनर्जी, वक्तन क्या होता है निकाल लीजिए, कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, तुरंत निकालिए वक्तन। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है एफ एस। अच्छा आप लोग दूसरा बताओ, एफ की नहीं मानो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम एस। बहुत आसानी से निकल जाती है, मास, मास किलोग्राम, किलोग्राम के लिए कितना आ जाएगा एम, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए एल पर सेकंड स्क्वायर के लिए टी माइनस टू। एस क्या है यहां पर, डिस्टेंस के लिए एल, और यदि कंबाइन करते तो क्या आता है एम एल टू टी माइनस टू। ये वक्तन की आई, और यही किसकी होगी एनर्जी की। बात मतलब घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नहीं आ रही तो फॉर्मूले याद करके निकालो, फॉर्मूले आने चाहिए आपको। एनर्जी की क्या हुई एम एल टू टी माइनस टू, मैंने लिख दी एनर्जी हमारे यहां पे आ जाएगी जब ए यहां गया है तो, ठीक है। अब नीचे केवल क्या बच्चा हमारा टी, टी मतलब टाइम, टाइम के लिए टी। थोड़ा सा ध्यान दो, एल टू से एल टू कट गया, समझ में आती बात। यहां क्या टी माइनस टू, यहां क्या टी, एक टी कट जाएगा, क्या बचेगा केवल टी माइनस वन। टी माइनस वन कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये टी अपॉन एम, नहीं हो जाएगा। टी क्या है टी माइनस वन, माइनस वन कहां चला जाता है ऊपर, तो या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एम माइनस वन टी। इतनी बात क्लियर है आपको, समझ में आती है बात, नहीं आती समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, टी माइनस टू है, टी माइनस टू मतलब ऊपर जाके टी स्क्वायर बनेगा, तो एक टी से एक टी कट जाएगा, तो ऊपर एक टी तो बचेगा ये, चाहे तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, कोई बात नहीं है। तो हमारे क्या होता है एम माइनस वन, नीचे जो एम होता है ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। ये हमें निकालना क्या है ए क्रॉस बी, तो इज इक्वल टू ए क्रॉस बी निकालना, ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू क्या आती है एम माइनस वन इंटू टी, बी की वैल्यू क्या आती है एल स्क्वायर। तो या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एम माइनस वन एल टू टी, ये मेरा क्या निकल के आ गया इसका फॉर्मूला। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, जिस तरह से दिया हो कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देना है। इस पर क्वेश्चन करके देखिए, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। एक मतलब आपको और बच्चा है ड्राइविंग आर न्यू फॉर्मूला, वो हम नेक्स्ट
वीडियो में करेंगे कवर। मिलते हैं।